नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। बात करेंगे आज फेमस ड्रामा सीरियल की जो यूट्यूब पर धूम मचा रहा है, अर्तगुल गाजी, जो इंडिया के साथ साथ हर कंट्रीज में फेमस हो गया है। मिलियन से इसके सीरियल को देखा जा रहा है, पर अर्तगुल गाजी के अभिनेता तुर्किश अभिनेता के साथ पाकिस्तान के एक टिकटॉकर ने धोखाधड़ी कर दी है। पिछले दिनों अर्तगुल गाजी का एक एपिसोड जो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर बहुत ज्यादा ही फेमस हो गया, जो कि तुर्की के एक ड्रामा सीरियल थी जिसको पाकिस्तान टेलीविजन ने उर्दू में कन्वर्ट किया और उर्दू में आने के बाद ये सीरीज बेइंतहा फेमस हो गई। उसके एक एपिसोड के जो व्यूज थे वो 100 मिलियन को भी क्रॉस कर गए। ये ड्रामा सीरियल ने पाकिस्तान में काफी प्रसिद्धि हासिल की। उसके वजह से पाकिस्तान से कनेक्शन तुर्की के और पाकिस्तान अभिनेताओं का जुड़ गया। अर्तगुल गाजी के स्टार कास्ट का आना जाना भी पाकिस्तान में लग गया। इस संबंध में पाकिस्तान के एक टिकटॉकर काशिफ जमीर ने अर्तगुल गाजी के लीड अभिनेता एंगेन अल्तान के साथ धोखाधड़ी कर दी। उनको 8 करोड़ रुपए का फर्जी चेक देकर और उनसे कहा कि वो अलग अलग तरह। उसके बाद अर्तगुल गाजी के अभिनेता ने तुर्की के जो कार्यक्रम थे उनको पोस्टपोन कर दिया और पाकिस्तान के कार्यक्रम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि जो चेक दिया गया था काशिफ जमीर की तरफ से, वो चेक फेक निकला, बाउंस हो गया, वो फर्जी चेक। इस तरह का एपिसोड और कोई भी कार्यक्रम नहीं होने वाला है। जो टिकटॉकर थे उन्होंने ये फ्रॉड किया, अर्तगुल गाजी के नाम पर पैसे कमाए। इसको लेकर बकायदा अभिनेता ने पाकिस्तान पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। रेस कोर्स पुलिस ने काशिफ जमीर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये वाकया से पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती काशिफ जमीर ने कराई है, क्योंकि दुनिया भर में अर्तगुल गाजी की बड़ी फैन फॉलोइंग है और लोग उनको पसंद करते हैं।